पता नहीं अब आई नहीं, दोबारा करो दोबारा। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। आज सुबह का टाइम है और ये दोनों आ चुके हैं यहाँ पे और मस्ती कर रही हैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ, और हम दोनों को जाना है बाहर किसी काम से। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाहर। तो हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे और यहाँ से जो है कुछ सामान लेना था मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनका जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कहीं पर, अपनी बिल्डिंग में ही चल रहा है, कहीं पर तो नहीं है, हमारी बिल्डिंग में ही है फर्स्ट फ्लोर पर। तो वहाँ के लिए जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे इनको लेनी थी, तो बस हम वही लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर लैंप्स थे, तो मेरे से रहा नहीं गया वीडियो बनाए बिना, तो मैंने सोचा चलिए आपके इसे भी जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पे, हैंगिंग में भी था और ऐसे जो वॉल पर लगती है वो भी थे और सीलिंग का भी था, काफ़ी सारी जो है इनके पास वैरायटी थी। तो बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें लग रही थी, मन कर रहा था कि सब चीज़ें ले लो, अपने घर में ऐसे लगाने का बड़ा मन करता है सारी चीज़ों को। लेकिन चलिए जब हमारा घर बनेगा नया तो उस टाइम देखेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं। फ़िलहाल तो अभी जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे किस किस तरीके की वैरायटी थी। ये देखिए यहाँ पे कुछ वैरायटी इस तरीके की भी थी, ये सारा जो है लकड़ी का बना हुआ है और अलग अलग शेप में बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। तो इस तरीके की जो चीज़ जो हैंगिंग वाली होती है ना, ये ज़्यादातर आजकल किचन में मैंने देखी है, डाइनिंग टेबल के ऊपर ये इस तरीके से जो है, और ये लकड़ी में बनी हुई है और सारी शेप्स हैं, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल भी है, तो बहुत सुंदर लग रही थी ये। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी चीज़ों को जो है देखती जा रही हूँ और हस्बैंड जो है वो अपना सामान ले रहे हैं। इसके बाद जाना है हमें किसी और काम से भी, तो वो भी हम कर लेंगे। और आज ये हुआ कि हम लोगों को जाना था बैंक, पहले हम बैंक गए थे और बैंक जाने के लिए जैसे हमने गाड़ी को लॉक किया तो गलती से जो है चाबी अंदर रह गई और हमारी गाड़ी हो गई लॉक। तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया लॉक खोलने में, और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पर आए हैं। और आज गर्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो सुबह का टाइम है, हम आ तो गए हैं जल्दी, मार्केट खुलते ही जो है हम लोग आ गए थे 11 बजे के आसपास, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो था ना, ये सीलिंग का था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें रंग बिरंगी जो है लाइटें थी। तो मैंने उनसे बोला कि भैया आप इसको जला के दिखा दो, तो उन्होंने ऑन किया तो काफ़ी इसमें जो है कलरफुल लाइट्स थी, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे लैंप्स थे। तो ये देखिए, तो चलिए चलते हैं, सामान हम ले चुके हैं यहाँ से और हम कुछ चलते हैं घर, क्योंकि बीच में कुछ दवाई भी लेनी है, वो काम भी करना है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर चलते हैं, भूख भी लग रही है काफ़ी, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो ये देखिए उन्होंने जो है इसे ऑन कर दिया है, ये सीलिंग का है और अलग अलग शेप्स का था, बड़ा भी था छोटा भी था, तो बहुत सुंदर लग रहा था, इसमें दो तीन कलर की जो है लाइट्स थी। और सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 11, मैं और मेरे हस्बैंड जो है बाहर निकले हुए हैं, कुछ बैंक के काम भी थे और कुछ मेरे हस्बैंड का जो काम है उसके लिए जो है शॉपिंग भी करनी थी, तो बस उसके लिए हम लोग निकले हैं। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा गर्मी है आज। आज गर्मी ज़्यादा है, मैंने कल रात को देख लिया था, नहीं रात कल ठीक था और लिखा था कि कल से ज़्यादा आज गर्मी होगी। पीछे भी है, कहाँ जाना है, शोरूम मोड़ना है कि तो अब हम आ गए हैं सोसाइटी के अंदर, दवाई हमें मिली नहीं है तो वो हम बाद में ले लेंगे शाम को। और ये देखिए सामने से जो है एक बड़ा ट्रक आ गया है और वो बैक हो रहा है, उसको धीरे धीरे वो बैक कर रहा है और धीरे धीरे जो है हमारी गाड़ी भी चलती जा रही है। अब मैं आ चुकी हूँ घर पे, ये है फर्स्ट फ्लोर जहाँ मेरे हस्बैंड का काम चल रहा है, वो चले गए वहाँ पर, और मैं जा रही हूँ ऊपर घर पर। और प्यास भी बहुत लग रही है, भूख भी बहुत लग रही है। और ये देखिए हमसे पहले जो यहाँ पे है हमारे मेहमान जो हमेशा यहीं पर रहते हैं, घर आ चुके हैं और हमसे पहले हमारे चौकीदार ऊपर बैठे इंतजार करते रहते हैं लोग।
वर्क कर रही है आज बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ये है पहले वाली बिल्ली जो सबसे पहले अकेली आती थी, तो ये पुरानी वाली बिल्ली आई है और वो जो दो छोटी थी वो दोनों जो है यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम चले गए थे, तो वो भी चली गई थी, अब थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगी। देख रही है इसको पुरानी वाली यही। और अभी बाहर से बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है, और नाश्ता निकल गया हुई थी, हस्बैंड को बिटी को करा दिया था, आयुष ने भी किया था क्योंकि वो सो रहा था, और अभी आई हूँ तो बच्चों को दिया है ठंडा बना के, ठंडा क्या दूध ही दिया है, ठंडा दूध थोड़ा सा उसमें रोबसे डाल के अच्छा लगता है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कर करके डालो बहुत टेस्टी लगता है वो पीने में, तो वो दिया है। हस्बैंड जो है अभी वापस से चले गए काम पे और मैं खा रही हूँ भेलपूरी, आयुष को भी दे दी है, अच्छी लग रही थी कि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो बस ये हल्की भूख के लिए है, थोड़ा बहुत ही बनाया है ज़्यादा नहीं बनाया, तो आयुष ने जो है बना के दे दिया है, आयुष को मैं दे चुकी हूँ आधा और आधा मैं खा रही हूँ, तो जब तक जो है मेरा लंच ही बन जाएगा। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ काली वाली दाल, काली मसूर की जो होती है जिसे काली मलका दाल भी बोलते हैं, तो वो बना रही हूँ और चावल बनाऊँगी साथ में, बैंगन का भरता भी है, तो चलिए बना लेती हूँ फिर जो होगा आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ इस लम्हे में। मैंने उस दिन पीसा था ना कितना कम हो गया क्योंकि डेली यूज होता है तो ये कम हो जाता है जल्दी जल्दी, देख लूँगी जो है। तो यहाँ देखिए मेरी हो रही है लंच की तैयारी और नाश्ता करने से पहले जो है मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो दाल मेरी उबल रही है, उसमें मसाले वगैरह मैं डाल चुकी हूँ, अदरक लहसुन डाल चुकी हूँ और बाद में उसमें लगाऊंगी छौंक, और मसूर की दाल जो है मैं इसी तरीके से बनाती हूँ काली वाली, तो यहाँ पे जो है मैंने चावल भी चढ़ा दी हैं साथ के साथ, और ये दोनों चीज़ें जब तक मेरी बनेंगी तो यहाँ पे जो है तेल मैं छोटी बॉटल में करके रख लूँगी, सरसों के तेल मैंने डाल दिए हैं, अब मैं डाल रही हूँ रिफाइंड वाला, तो यहाँ पे देखिए बॉटल मेरी भर चुकी है और इसके अलावा दो बोतल और हैं, सोच रही हूँ उसको भी भर के रख देती हूँ अगर मेरे से भरी जाएंगी, क्योंकि उसमें जो है ना एक लॉक है वो मेरे से निकलता नहीं है, तो वो हस्बैंड ही निकालेंगे, अगर निकल जाएगा तो मैं भर दूँगी, अदरवाइज़ जो है वो मैं रख दूँगी। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर एक बोतल भर ली है और थोड़े बहुत जो है बर्तन भी अभी रखे हुए हैं वो भी धोने हैं, तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, फटाफट लंच बना के मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो ये देखिए दो बोतल में यहाँ पे मैं सरसों की भर चुकी हूँ, अभी इसमें भी है काफ़ी, मतलब एक जो है एक बोतल का भी तेल इसमें बचा हुआ है बड़ी वाले डब्बे में, तो सोच रही थी डालूँ इसमें डाल के रख देती हूँ क्योंकि दो बोतलें मेरे पास अभी और रखी हैं, लेकिन इसका जो लॉक है वो मेरे से खुला नहीं तो मैंने इसे वापस रख दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास अभी काम चलाओ के लिए काफ़ी सारा तेल भी है, इसको भर लेंगे हम बाद में। तेल के जो बड़े बड़े डब्बे है ना इसको मैं छोटी बोतल में करके रख देती हूँ, तो ये सरसों का तेल है और इसको ये देखिए मैंने छोटी बोतल में करके रख लिया है, और ये है रिफाइंड ऑयल, तो इसको भी जो है मैंने अभी एक ही बोतल में करा है, अभी जो है दो बड़ी बोतलें और रखी है उसमें भी कर सकती हूँ मैं, लेकिन उसको ढक्कन निकालना पड़ेगा तो जो है मैं बाद में करूँगी, फिलहाल तो मैंने अभी ये तीन बोतलें भरी हुई हैं, एक रिफाइंड की, दो सरसों की, और अभी इनमें जो है तेल बचा हुआ है इसमें थोड़ा सा बचा है अभी, और इसमें तो काफ़ी है अभी क्योंकि अभी तो इसकी बोतल भरनी है, तो ये मैंने भर लिया है। यहाँ पे चावल जो है मेरे बन चुके हैं, दाल भी बस बनने वाली है, इसमें छौंक लगाना है, तो फटाफट से जो है मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं, अब मेरे को तलना है पापड़, तो पहले यहाँ हटा लेती हूँ यहाँ से मैं तेल के डब्बे, क्योंकि सारा यहाँ पे जो है चिकना चिकना सा हो गया है, पहले ये प्लेटफॉर्म जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद जो है पापड़ भी तलने हैं, तो पहले लगाती हूँ छौंक। यहाँ जो है पापड़ भी तैयार हैं, थोड़ा तेल गर्म हो गया था, मैं छौंक लगाने में लग गई तो थोड़ा सा तेल गर्म हो गया, जले नहीं है थोड़े ज़्यादा सीख गए, तो चलिए खाना हमारा हो गया है तैयार, तो देते हैं सबको, तो चलिए हम लंच कर लेते हैं, बच्चों को देती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, तो इसी ब्लॉग को जो है मैं कंटिन्यू करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।